हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड एज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी PT 365 है। और आज हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक में। तो साइंस एंड टेक में काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी मिसाइल्स वगैरह डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आती है, लेकिन हाँ, हर साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी अल्टरनेट ईयर्स में आप देखोगे, या फिर 2-3 साल के बीच में गैप में ये पूछ लिया जाता है। तो जो भी न्यू हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट होती है, जैसे आज के डेट में आपको ड्रोन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। साथ ही सबमरीन और शिप्स जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। तो ये सारे कुछ टॉपिक है। अगर कुछ नया आता है या फिर कुछ नई चीज़ें हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में ऐड होती है, तो उसके बारे में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो चलिए आज हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले, जो लास्ट लेसन में मैं आपसे क्विज पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। और आज आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है, जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन पूछी थी, और ये आपके साइंस के फोर्थ जो पार्ट थी उसकी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि एप्लीकेशन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बतानी है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है कि कौन सी यहाँ पे कंट्री है, जो कि कौन सी स्टेट है या फिर कौन सी कंट्री है, जिन्होंने यहाँ पे पहली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बेंगलुरु में यहाँ पे आपका जो है सेटअप करी है। ओ सॉरी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये आपकी सेटअप करी है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है कि कर्नाटक बेंगलुरु में। तो मैं यही पूछने वाली थी कि कौन से स्टेट में हुई है, बट ये नहीं है। ये है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेटअप करी है। थर्ड है यहाँ पर कि आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे आपकी कंट्री है, जहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है एक स्पेशलाइज्ड डार्कनेट लैब। ये भी आपको हमारी ही कंट्री है, लेकिन इसकी स्टेट आपको बतानी है, जो कि साइबर डोम है। और यहाँ पे 4 ऑफिसर्स है जिनको ट्रेन किया गया है एज ए डार्कनेट एनालिसिस, कि वो यहाँ पे इसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे। फोर्थ है कि एज कंप्यूटिंग से आप लोग क्या समझते हो। एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये 2 तरीके की कंप्यूटिंग है। तो एज कंप्यूटिंग अभी जैसे न्यू है, तो मे बी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इनके बारे में आपको कुछ आइडियाज़ होनी चाहिए। आइए इसके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है कि अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि आप लोग ने रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत जी की, तो उसमें जो चिट्टी थी, चिट्टी था तो वो थी नहीं, वो था। तो चिट्टी जो था वो क्या था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहने का मतलब है कि हमारे जैसे, जस्ट हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स होते, लेकिन वो रोबोट के बनाए होते, आर्टिफिशियल तरीके से बनाए होते, और उसमें जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धिमत्ता है, वो हमारे ह्यूमन बींग के जैसा है। वो हमारे जैसे सोच सकते हैं, चल सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, कुछ भी मूव कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं, और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है जो हमारे ह्यूमन बींग्स में होती है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स एक्ट करते हैं, उसी तरीके से वो रोबोट भी एक्ट करती है। तो इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। अब बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ऑलरेडी इस पर क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग को और एडवांस लेवल पे जाकर आप लोग को पता करना चाहिए कि किस किस फील्ड में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि हेल्थ केयर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक अच्छा खासा एफोर्डेबल और क्वालिटी वाली जो हेल्थ केयर है वो सारे लोगों को प्रोवाइड कर सके। एग्रीकल्चर में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सरकार की ये एम है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करनी है। तो ये जो हमारा फंडा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करनी है, तो ये हम लोग इसका इस्तेमाल करके बढ़ा पाएंगे। साथ ही जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा पाएंगे। और एग्रीकल्चर में बहुत सारे कचड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है चीज़ों का, क्रॉप्स का भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो मे भी हम लोग उसको रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है एडुकेशन में। एडुकेशन लेवल पे आप लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आज के डेट में आप लोग मेरी लेसन सुन रहे हो, तो मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, नो डाउट, लेकिन मान लीजिए कि मेरी ही जैसी कोई रोबोट हो, वो आप लोग को इस तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड करके अगर आप लोग को पढ़ाएं, लेक्चर रिकॉर्ड करके भी नहीं तो लाइव लेसन लेकर, अगर आप लाइव सेशन लेकर अगर आप लोग को पढ़ाएं, तो आप लोग को भी उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि आज के डेट में आप लोग देखते हो कि चाइना में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूज़ एंकर की जगह पर, तो वो भी सारी चीज़ें हो रही है। तो एडुकेशन और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है, एक क्वालिटी ऑफ एडुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। स्मार्ट सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो अर्बन पॉपुलेशंस बढ़ते जा रही है सिटीज़ में, तो उसको हम लोग पूरी करने के लिए, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का एफिशिएंट और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्टर और सेफर मोड होगा ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि आज के डेट में हम लोग ड्राइवरलेस कार की बात करते हैं, जिसमें ड्राइवर नहीं होंगे, वो आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, उसमें आपके रोबोट भी नहीं होंगे। चलिए, वो क्या होगा ना कि एल्गोरिथम होगी, इसमें प्रोग्रामिंग होगी कार में, आपको बैठना है, आपको लोकेशन फिक्स करनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपका चलते जाएगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी हम लोग एडवांस कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बेटर ट्रैफिक और कंजेशन प्रॉब्लम जो है, इसको भी कहीं ना कहीं से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो एक तरीके से मैं आपको इन सिंपल वर्ड में कहूँ कि आपकी जो है ना,
हर एक फील्ड में आपका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे न्यूज़ में आता है ना 100 बात की 1 बात, तो उसी में 100 बात की 1 बात मैं बोलूँ तो यह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर एक जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि किस किस जगह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, अब आपका एकदम से बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ऑल ऑफ द अबव में लगा के आओगे, ये आपका श्योर शॉट है। ओके, अब आते हैं जो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम पूछ रही थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आपका डेवलप किया गया, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज जो आपका डेवलप किया गया वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स है। उसके बाद केरल पुलिस है जिन्होंने ये इस्टेब्लिश करी है एक डार्कनेट लैब। डार्कनेट बहुत ही अच्छी एक आपकी टेक्नोलॉजी है जो कि बाहर की है, US की है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस लेसन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो डार्कनेट लैब जो है वो साइबर डोम में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। साथ ही एज कंप्यूटिंग की बात करूँ तो एज कंप्यूटिंग में क्या है ना कि आपका डेटा को जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो या फिर डेटा को आप ट्रांसमिट करते हो तो डेटा को रियल टाइम में एनालाइज़ किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। रियल टाइम कहने का मतलब है कि जिस टाइम में आप इसको भेज रहे हो, जैसे कि आप मुझे कोई भी मेल करते हो तो तुरंत आप जब मेल कर रहे हो तो एज कंप्यूटिंग में क्या होगा ना कि आपके डेटा को उसी समय एनालाइज़ किया जाएगा, फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर मुझे ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर उसको स्टोर भी किया जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को यहाँ पर लोकली एनालाइज़ की जाती है और ये आपका फास्टर्स होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है, बहुत ही कम समय में बिना लेटेंसी के, यानी कि बिना आपका टाइम लिए हुए, बिना आपका जो है यहाँ पे आपका ज़्यादा देर तक खींचे हुए, यहाँ पे आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है, रियल टाइम में आपका जो है डेटा उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम लोग एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो ये तो 4 क्वेश्चन की आंसर हुई आज। अब से आपकी क्वेश्चन की नंबर मैं इंक्रीज़ कर दी हूँ, 4 है अब आज को, आज के डेट से आपको 5 मिलेगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि आप लोगों को भी पता चल गया है कि UPSC की प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो चुकी है, तो अच्छे से तैयारी करते हैं ना। अब जल्दी किस बात की है, आराम से आप लोग जिस तरीके से आप लोग अपना रूटीन स्केड्यूल को फॉलो कर रहे थे उसी को आप लोग स्केड्यूल से फॉलो कीजिए, क्योंकि इतना भी आराम मत कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर पता चला कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर चीज़ें अगर नॉर्मल होने लगेगी तो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ज़्यादा देर तो लगाएंगे नहीं, ये UPSC है, कोई स्टेट पीसेस तो है नहीं कि एक बार अनाउंसमेंट करके सो गई है कि नहीं, अलर्ट रहना है आप लोग को भी, एकदम प्रिपेयर रहना है। और मान के ही चलिए कि आपका जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इस तरीके से मान के चलिएगा ना, तो दिमाग क्या है ना कि इसको ये तो थोड़ा बेवकूफ़ होता है, तो दिमाग को आप लोग को अपने हिसाब से चलाना होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा और सारी लेसन्स भी अब हम लोग अच्छे से यहाँ पर डील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बायोमेट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, बायोमेट्रिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो भी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, तो 3 कैटेगरी क्या है, बायोमेट्रिक्स में क्या क्या आते हैं इसके बारे में आपको नॉर्मल बताना है। सेकेंड थिंग है कि डेटा लोकलाइजेशन से आप क्या समझते हो, और कौन सी हमारे कंट्री की कमेटी है जिन्होंने यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शंस के लिए कानून लेकर आई थी, तो ये भी आपको बताना है। थर्ड है कि टेक्सागर है क्या, मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ये आप लोगों को खुद ही बताना है कि टेक्सागर है क्या, इसको किसने लेकर आया, किसने लॉन्च करी, क्या एम है, कुछ भी आप लोग जो भी है जितना आप लोग को याद आ रहा आप लोग बताइए। फोर्थ है कि RFID टेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो ये बताना है क्या है, इसको हम लोग आज के डेट में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही आपकी एकदम बर्निंग सी टॉपिक है, तो वो आप लोग लिख दीजिएगा कि RF टेक्नोलॉजी का हम लोग कहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिफ्थ है यहाँ पे आपको नाम बताना है कि वर्ल्ड की फर्स्ट एवर लिविंग सेल्फ हीलिंग रोबोट है जो कि इंजीनियरिंग फ्रॉग एम्प्लॉयज के द्वारा इसको डेवलप किया गया है लैब में, और ये लिविंग लाइक मीन्स इसकी बिहेवियर जो है वो लिविंग जैसी है और प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म्स है। तो इसके नाम आपको बतानी है कि ये कौन सी मैं वर्ल्ड की फर्स्ट एवर लिविंग और सेल्फ हीलिंग रोबोट, यानी कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो वो सेल्फ हील हो जाए, जैसे कि रोबोट में हम लोग देखे थे ना कि एक टाइम ऐसा आया था कि रजनीकांत जी ने चिट्टी को पूरा तोड़ फाड़ दिया था क्योंकि थोड़ा इंसिडेंस हो गई थी, तो उसके बाद चिट्टी जो है ख़त्म हो गई, लेकिन ये सेल्फ हीलिंग है, ये खुद को हील कर सकती है, कुछ भी चोट वगैरह लग जाता है तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये खुद को हील कर सकती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको लैब में बनाया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना कि इसका नाम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के पहले सेक्शन में जो कि है मिसाइल। तो डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल हम लोग देखने वाले हैं, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाली है। देखिए क्या क्या चीज़ याद करनी होती है मिसाइल में, किस किस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होता है वो मैं बताते चलूँगी। सबसे पहले हमारी अस्त्र मिसाइल है, तो रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फाइट करी है अपने यहाँ की बनी हुई एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्र मिसाइल है, इसको आप एयर टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है, तो बहुत तरीके की मिसाइल होती है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये किस तरीके की मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल बोलते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये तो एयर टू एयर मिसाइल है। ओके,
सबसे पहले दिन। दूसरी चीज़ तो आपको पता ही होगा कि अगर ये हमारे कंट्री की है तो हमारे कंट्री में कौन इसको डेवलप करती है? DRDO। इसरो क्या काम करती है? इसरो और DRDO में बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसरो जो रिलेटेड है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि जो हम लोग ऊपर की बात करते हैं, स्काईज की बात करते हैं, हम लोग सोलर सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग जो स्पेस यूनिवर्स की बात करते हैं, वो हम लोग इसरो से बात करते हैं। लेकिन अगर DRDO की बात करें तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारी ये आपकी DRDO है, और स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी इसरो है। तो ये जो हमारे यहाँ अस्त्र मिसाइल बनाया गया है, मिसाइल किसके द्वारा बनाई गई है? तो DRDO। उसके बाद आप देखोगे कि ये विजुअल रेंज जो इसकी है, इसके बियॉन्ड भी जाकर ये काम करेगी। इसमें आपका ये भी टेक्नोलॉजी कहा जाएगा कि आपका अस्त्र मिसाइल जो है ये VBRAAM टेक्नोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म यही है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो भी फाइटर पायलट्स होंगे उनको यहाँ पे अनेबल किया जाएगा कि वो शूट कर सकते हैं एनिमी टारगेट को लेकर बियॉन्ड उनके विजुअल रेंज से भी पहले, वो यहाँ पे जो है उसके बाद भी वो यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसको जो लॉन्च किया जाएगा ये Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट से इसको अस्त्र मिसाइल को हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर पाएंगे, और फर्दर इंटीग्रेट होगी इसको दूसरे जेट के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे, जैसे Mirage 2000 है या फिर MiG-29 है, तेजस है, तो इन सब के साथ भी इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसी के साथ अगर देखें तो इंडिया जो है दूसरे कंट्री के लीग जिनके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है उनको हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमारे से पहले किस तरीके के कंट्रीज़ के पास इस तरीके का टेक्नोलॉजी है? तो ये है फ्रांस, जर्मनी, UK और साउथ अफ्रीका। ये चार कंट्री है जिनके पास इस तरीके की मिसाइल है, तो अब हम भी इसमें काउंट हो चुके हैं। स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं इस मिसाइल की। स्पीड आप देखोगे तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, 5555 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एडवांस फीचर भी हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, ECCM भी है, जिससे कि ये मिसाइल की जो टारगेट ट्रैकिंग है ना उसको इम्प्रूव करती है। जहाँ पे टारगेट करना है, जहाँ पे आपको वो मिसाइल को आपको दागना है, वहीं पे आप लोग टारगेट कर सकते हो, और इसकी जो टारगेटिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का एनिमी टारगेट का, वो यहाँ पे रिड्यूस होगा कि इन्वायरमेंट को जैम कर सके। तो ये सारी चीज़ नहीं है, मेनली यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जो है ये क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से टारगेट कर पाओगे किसी भी एनिमी को। साथ ही यहाँ पे लॉक ऑन बिफोर लॉन्च है और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है, यानी कि आप लॉक कर सकते हो, लॉन्च के पहले आप लॉक कर दो, यानी कि टारगेट सेट करके इसको लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे लॉन्च करने के बाद भी इसको लॉक कर सकते हो। तो जो बाद वाला ऑप्शन है यानी कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जो है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट को अलाउ करता है कि आप सेफ्टी तरीके से शूट करो, स्कॉट करो लॉन्च करने के बाद। तो लॉन्च करने के बाद भी जब टारगेट यहाँ पे आपका फिक्स हो जाता है, तो उसके बाद भी ये सेफ्टी तरीके से आप सब शूट कर सकते हो, इस तरीके से लॉक करना है। साथ ही यहाँ पे एक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है जिसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक्टिव रडार सीकर है, और यहाँ पे होमिंग रेंज आप देखोगे तो 25 किलोमीटर है, और एक्सट्रीमली ये इफेक्टिव है मल्टी टारगेट सिनेरियो के लिए, यानी कि एक ही टारगेट नहीं, यहाँ पे आप लोग मल्टी टारगेट सिनेरियो के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आपका इफेक्टिव है। तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, हम लोग बहुत सारी चीज़ देख लिए अस्त्र मिसाइल के बारे में। तो ये एक एक जो बात मैं बताई हूँ इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो अब ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्रूज़ मिसाइल कैसे कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे कैसे कहते हैं। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक पता होगा और इसमें डिफरेंस पता होगा तो आप लोग सही तरीके से किसी भी मिसाइल को समझ सकते हो। तो सबसे पहले रेंज समझिए, बैलिस्टिक मिसाइल के आप देखोगे तो ये लो टू वेरी हाई है, यानी कि ये 15,000 किलोमीटर तक भी ये मिसाइल आपकी जा सकती है। लेकिन वही क्रूज़ मिसाइल का आप बात करोगे तो ये अप टू 1,000 तक ही जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4,000 तक जा सकती है। जैसे हम लोग इसरो में बात किए थे ना कि PSLV है, GSLV है, तो PSLV GSLV की आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। उसी तरीके से आप लोग को अगर यहाँ डिफेंस टेक्नोलॉजी में आते हो, मिसाइल के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक सी चीज़ है, फंडामेंटल जिसको कहती हो ना, वो फंडामेंटल है। तो ये मान लीजिए आपकी PSLV हो गई जिसमें कम रेंज है, और ये आपकी GSLV हो गई जिसको हम लोग बाहुबली भी कहते हैं। तो इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल का आप लोग रेंज देखते हो, 15,000 किलोमीटर बहुत दूर तक जाता है। वहीं अगर क्रूज़ मिसाइल की बात करूँ तो ये 1,000 किलोमीटर तक ही है। एल्टीट्यूड देखिए, हाइट देखिए आप किसकी है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत ही ज़्यादा हाइट होती है और ईजिली डिटेक्ट भी कर पाते हैं, यानी कि अपने टारगेट को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज़ मिसाइल की बात करूँ तो इसकी हाइट लो होती है और ये डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाती है, अगर आप यहाँ से इसको हिट कर रहे हो, यहाँ से अगर आप इसको छोड़ रहे हो, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इस
तरीके से जाके हिट करती है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल कैसे जाती है, इस तरीके से जाती है। ये आपका गया तो क्रूज़ मिसाइल हो गया, ये सी हो गया, ये आपका बी हो गया। तो इस तरीके से ये टारगेट भी इस्तेमाल, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिसीजन भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ना लार्जर टारगेट के लिए ये फिट है, यानी कि अगर बड़े बड़े टारगेट बनानी है, किसी भी बड़े जगह पे आपको अगर हिट करनी है तो बैलिस्टिक मिसाइल को आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर स्मॉल और मोबाइल टारगेट है, छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं ना, उसमें अगर आप लोग को कोई मिसाइल दागना है तो आराम से आप लोग जो है क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। स्पीड की अगर बात करें, अब आप लोग समझ ही रहे हो कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है बैलिस्टिक मिसाइल के ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका हाइट भी ज़्यादा है, इनका डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो इनकी स्पीड है वो 25,000 किलोमीटर पर आवर है और वेरी हार्ड टू इंटरसेप्ट है। साथ ही यहाँ पे आप लोग क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो यहाँ पे 1,000 किलोमीटर है, यानी कि ये जाएगी भी 1,000 किलोमीटर तक और जाएगी भी, तो स्पीड भी जाएगी 1,000 किलोमीटर पर आवर तक। लेकिन मैक्सिमम इसकी आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज इनका 4,000 किलोमीटर है। तो ये बेसिक सी डिफरेंस है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको देखिए। क्या पता पिछले बार GSLV PSLV पे पूछा गया था, इस बार क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाएगा लेकिन आपको फंडामेंटल चीज़ पता होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल पे। अब बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। अब यहाँ पे बात आती है सुपरसोनिक हाइपरसोनिक की। सबसोनिक भी होती है, कोई सुपरसोनिक होती है, कोई हाइपरसोनिक होती है। तो ये जो सोनी सोनी है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। अभी हम लोग देखे थे मैक नंबर, तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर अगर आप लोग मिसाइल की देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड, यानी कि किसी साउंड से जाती है ना, आप लोग हमेशा देखोगे जब आप लोग मिसाइल वगैरह, तो वो उसका एक अपना साउंड भी होता है। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड, इसको हम लोग मैक नंबर कहते हैं। अब ये मैक नंबर से ही हम लोग हर एक मिसाइल्स का ना ये समझ पाते हैं कि उसकी कितने वो स्पीड से जा रही है, वो ऑब्जेक्ट का स्पीड डिवाइडेड बाय उनकी स्पीड ऑफ साउंड। तो उसकी स्पीड को हम लोग देखते हैं, उस स्पीड को और उसकी जो साउंड है ना उसको हम लोग यहाँ पे जो है सुपरसोनिक वगैरह कहते हैं। तो सबसे कम अगर आप देखोगे तो ये होता है सबसोनिक। सबसोनिक में आप देखोगे तो इसकी जो मैक नंबर है वो लेस देन 1 भी होती है। फिर आती है ट्रांसोनिक, तो ट्रांसोनिक में आपकी मैक नंबर 1 होती है। सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक में जो है ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है और ये मैक नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 1 है। हाइपरसोनिक की बात करूँ तो ये तो और भी ज़्यादा इसकी साउंड होती है, तो यहाँ पे आपका ये मैक नंबर जो है ये ग्रेटर देन 5 है। तो ये इसलिए आपको हमेशा देखोगे कि कोई ना कोई मिसाइल जो है वो सबसोनिक होती है, सुपरसोनिक होती है, हाइपरसोनिक होती है। तो ये भी आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आते हैं फाइनली हम लोग आर्टिकल पर। तो अब देखते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है क्या। सुपरसोनिक आप समझ गए, मैक नंबर जो है इसका ये ग्रेटर देन 1 है। और क्रूज़ मिसाइल की बात करूँ तो बस इस तरीके से याद करना है, क्रूज़ मिसाइल 1000 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और 1000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं रिसेंटली क्या हुआ है कि जो DRDO है, इंडियन एयर फोर्स है, और ब्रह्मोस जो है उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट करी है 2 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल की टेस्ट। और एक जो है ये लैंड से किया गया है और एयर प्लेटफॉर्म से किया गया है, यानी कि अब ये क्वेश्चंस भी बन सकती है कि जो ब्रह्मोस है उसको हम लोग लैंड से भी इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ पर एयर प्लेटफॉर्म से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों जगह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों जगह से हम लोग जो ये टेस्ट किए हैं बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल टेस्ट हुई है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है हमारे इंडिया और रशिया की। साथ ही इसकी नाम आप लोग देखोगे ना, ब्रह्मोस, ये हमारे 2 नाम के ऊपर है। ब्रह्मोस हमारी ब्रह्मपुत्र है जो कि इंडिया की रिवर है, और मॉस्कोस है जो कि मॉस्को है, मॉस्को या मॉस्कोस, आई थिंक मैं कुछ भूल रही हूँ, तो ये रशिया की रिवर है। आप लोग देख लीजिएगा, पता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ी सी भूल रही हूँ। अब क्या है ना कि रिविज़न नहीं करने से यही काम होता है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि रिविज़न करते रहा कीजिए, तो इससे आप लोग की जो मेमोरी है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये एक मीडियम रेंज है, अब ये भी ध्यान रखना है, ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और इसकी कैपेबल आप देखोगे तो ये सबमरीन से भी लॉन्च हो सकती है, साथ ही वॉरशिप से भी, फाइटर जेट से, लैंड से। और इसकी स्ट्राइकिंग रेंज देखें तो ये 300 किलोमीटर है। ये जो मिसाइल है ये ऑपरेशनल है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी कि तीनों के साथ ये ऑपरेशनल है। साथ ही इसको हम लोग हर एक जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड थिंग है कि ये सुपरसोनिक है, फोर्थ थिंग है ये एक क्रूज़ मिसाइल है, और फिफ्थ है कि ये हमारी इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर है और ये दोनों के रिवर के नाम पर रखा गया है। इतनी डेटा आप लोग को याद होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड तरीके की मिसाइल जो कि है आकाश 1S मिसाइल। तो ये आकाश में है, तो सबसे पहले DRDO ने इसकी टेस्ट फायर करी है आकाश 1S। तो ये सरफेस टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल है। अब सुपरसोनिक कहने का मतलब कि इसकी मैक नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, अगेन ये सुपरसोनिक आ गई। सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि सरफेस से एयर में जाएगी। और एक न्यू वर्जन का आकाश मिसाइल है जो कि हमारे ही इंडिया में ये चाहत है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि इसको ये हमारे इंडिया की हो। आकाश जो है ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा
और ये जो है हमारी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान है, ये एक तरीके से देखिए बहुत बड़ी प्लान है। हमारे इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्लान, किसमें हम लोग 5 तरीके के मिसाइल को जो है यहाँ पे हम लोग अपने कंट्री में बनाएंगे और उसको इस्तेमाल भी करेंगे। तो 5 तरीके के मिसाइल का जो यहाँ पे फंडा लेकर आया गया कि हमारे कंट्री में हर एक तरीके का मिसाइल होना चाहिए, उस मिसाइल को यहाँ पे किसके अंदर रखा गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो भी आपका मिसाइल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हो आकाश मिसाइल है, हमारे यहाँ अस्त्र मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, साथ ही धनुष भी देखने को मिलेगा और शौर्य मिसाइल है, तो ये सारी जो मिसाइल है ना, या नाग मिसाइल भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी जो मिसाइल है ये क्या है कि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन है, अग्नि है, त्रिशूल है, पृथ्वी है, नाग है और एक तो आकाश है। ये 5 तरीके के हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग और आकाश, ये 5 तरीके के हैं जो कि इस तरीके के डेवलपमेंट प्लान में बनाया जा रहा है। इसमें स्ट्राइक रेंज अगर देखें तो 25 किलोमीटर है और ये 55 किलोमीटर की फ्रेगमेंटेशन वॉर हेड, यानी कि एक्स्ट्रा जो वॉर हेड होता है उसको कैरी कर सकती है। साथ ही ये एल्टीट्यूड आप देखोगे कितने ऊपर तक जा सकती है, तो 18 किलोमीटर तक, और ये जो है ना ट्रैक से भी ये फायर कर सकती है और विल्ड प्लेटफॉर्म से भी ये फायर कर सकती है। जो न्यू आकाश वेपन सिस्टम है इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, एक कमांड गाइडेंस भी है और एक एक्टिव टर्मिनल सीकर गाइडेंस भी है। तो ये 2 तरीके की गाइडेंस है जिससे कि इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है और ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी डेटा है जो कि आपको आकाश 1S मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इस समय की जो मिसाइल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है स्ट्रैम अटाका। स्ट्रैम अटाका जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है। इंडिया जो है वो साइन करी है 200 करोड़ डील है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रैम अटाका को एंटी टैंक मिसाइल है ये हम लोग रशिया से इसको एक्वायर करेंगे और वो भी MI-35 अटैक चॉपर। ठीक है, ये जो डील है ये साइन किया गया है हमारे इमरजेंसी क्लॉज के अंदर कि ये मिसाइल को हम लोग को ज़रूरत होगा और इसको सप्लाई किया जाएगा 3 मंथ के अंदर जब से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगी। जब पुलवामा अटैक हुई है तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे चाहती है कि हमारे यहाँ पे इमरजेंसी पावर होनी चाहिए, किस तरीके का अगर हमारे यहाँ अटैक होते हैं तो हम लोग भी इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। और यहाँ पे इस तरीके के जब अटैक हुई थी तो इसी में गवर्नमेंट एक इमरजेंसी पावर चाहती है, तो उसके लिए इस तरीके का जो है यहाँ पे हमारा ये डील किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स है जो कि एक्वायर्ड करी है स्पाइस 2000 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है, ये हम लोग इसराइल से ख़रीदे और ये भी हमारी इमरजेंसी ही प्रोविज़न है। तो जो आर्मी है ना यहाँ पे आपका एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि एक्वायर करना, यानी कि स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है और ये हम लोग फ्रांस से भी लिए हैं और यहाँ पे आपका एक है इगला एस एयर डिफेंस मिसाइल, ये हम लोग रशिया से लिए हैं। तो इमरजेंसी मिसाइल भी हमारे पास है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल है। तो स्ट्रैम अटाका याद रखना है कि हम लोग ये किससे खरीद रहे हैं, तो ये रशिया से खरीद रहे हैं, ये एंटी टैंक मिसाइल है। अब आते हैं अग्नि सेकंड में, अग्नि सेकंड के बारे में देखते हैं। रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी है नाइट ट्रायल, यानी कि रातों में ये ट्रायल किया गया है अग्नि सेकंड मिसाइल का, वो भी पहली बार। ये अग्नि मिसाइल कैसी है, तो अग्नि मिसाइल आपकी सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत बड़ी बात हो गई। अग्नि में आपको तो याद रखना पड़ेगा, एक तो एक सरफेस टू सरफेस है, सेकंड थिंग है कि यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल है, इसमें आपका न्यूक्लियर भी कैपेबल हो सकता है, साथ ही ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इस तरीके से आपकी जाएगी। अब ये डेवलप किया गया है हमारे DRDO के द्वारा, साथ ही ये ऑलरेडी आप देखोगे कि हमारे आर्म्ड फोर्स में इसको इंडक्ट किया गया है। 20 मीटर लॉन्ग है, स्ट्राइक रेंज इसकी 2000 किलोमीटर तक है और लॉन्च वेट अगर देखें तो 70 टन्स है और यहाँ पे पेलोड अगर आप देखोगे तो ये 1000 किलो केजी का है। ये 2 स्टेज मिसाइल है, यहाँ पे 2 स्टेज आपको देखने को मिलेगा और इसमें एडवांस हाई एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम भी है, यानी कि जिस जगह पे जाना है इसमें नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, ये एक्यूरेट उसी जगह पे ये जाएगी और इसको गाइड किया जाएगा स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड के द्वारा और कंट्रोल सिस्टम के द्वारा, साथ ही यहाँ पर सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम भी है, इसके द्वारा इसको प्रोपेल्ड किया जाएगा। तो इतनी डेटा जो है आपको याद करना होगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। अब आते एक और है प्रणाश बैलिस्टिक मिसाइल, अगेन ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मैं इतनी बार आपको बता दूंगी ना पिक्चर्स कि आप लोग के दिमाग में एकदम अट ही जाएगा। तो प्रणाश बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO जो है वो यहाँ पर डेवलप करी है और ये है 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज। देखिए अग्नि मिसाइल का जो स्ट्राइक रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ये आप लोग ध्यान में लेकर ही चलिएगा। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 4000 किलोमीटर है, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहने का कोशिश करना है कि इतना ज़्यादा तो नहीं है, 2000 किलोमीटर तक आप पड़े हो। ये अग्नि सेकेंड है, अग्नि 5 तक की भी टेस्ट हो चुकी है तो उसको भी आगे मैं बताऊंगी। प्रणाश बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है ये आपका टैक्टिकल मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगेन ये प्रणाश आ गई है, तो ये है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, फिर आ गई
और ये आपका यूज़ किया जाएगा आर्मी के द्वारा, एयर फोर्स के द्वारा, जिसके जो भी एनिमी टारगेट है ना उसको शॉर्ट रेंज में, कम से कम रेंज में हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो शॉर्ट रेंज में अगर हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है और एकदम एक्यूरेट तरीके से इस्तेमाल करना है तो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, और शॉर्ट रेंज है इसलिए प्रणाश इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 200 किलोमीटर इसकी स्ट्राइकिंग रेंज है। ये जो मिसाइल है इसमें एडवांस वर्जन भी है 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज का, और ये है प्रहार मिसाइल। पहले प्रहार मिसाइल था, प्रणास मिसाइल है। तो ये आपका नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, इसमें कि आपका न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, और ये जो है सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है, और अग्नि सेकंड में क्या था, डबल स्टेज था, ओके टू स्टेज था। ये जो मिसाइल है ना ये आपका वन ऑफ द चीपेस्ट मिसाइल है, बहुत ही सस्ती मिसाइल है वर्ल्ड में, और इस रेंज कैटेगरी में यानी कि 200 किलोमीटर के रेंज कैटेगरी में ये सबसे सस्ती है। साथ ही ये जो मिसाइल है ना ये हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को, और हम लोग जो अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है MTCR है, इसके बाहर भी हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पिनाका मिसाइल सिस्टम। पिनाका मिसाइल सिस्टम अगर आप देखोगे तो सक्सेसफुली इसको भी टेस्ट फायर किया गया, वो भी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, जो कि चांदीपुर ऑफ यानी कि उड़ीसा कोस्ट के चांदीपुर से यहाँ पे आपका टेस्ट किया गया। ये एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है। अब ये अलग तरीके का मिसाइल है यानी कि आर्टिलरी है, जिसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, और यहाँ पे स्ट्राइकिंग रेंज आप लोग 75 किलोमीटर देख सकते हो। दो वर्जन है, एक तो पिनाका MK1 है और MK2 है, दोनों की रेंज में डिफरेंस होता है। जब आपका कोई मिसाइल वन है या फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, तो इसमें आपका डिफरेंस क्या होता है? पहला क्या होता है ना कि इसमें आपका रेंज बढ़ाया जाता है, यानी कि जो स्ट्राइकिंग रेंज है, जो डिस्टेंस है वो आपका बढ़ाया जाता है। सेकंड चीज़ है कि रेंज बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि स्पीड भी बढ़ेगी। फिर यहाँ पे आपका जो है ना कैटेगरी भी बढ़ाया जाता है, जैसे कि सब सोनिक है तो उसको यहाँ पर सुपर सोनिक इस तरीके से भी लाने की कोशिश की जाती है। हालाँकि ये रेयर है, ये ऐसा बहुत जल्दी देखा नहीं जाता, लेकिन हाँ ये जो है आपका क्रूज़ मिसाइल है तो क्रूज़ ही रहती है, बैलिस्टिक है तो उसको बैलिस्टिक ही रखा जाता है। तो इस तरीके का चेंजेस होता है। उसके बाद आती है यहाँ पे QRSAM, एक है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और ये भी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, और उड़ीसा चांदीपुर से ही किया गया है। ये ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना इस तरीके की आपकी मिसाइल की, ये इसको खुद पे खुद जो है आपका इंपॉर्टेंट बना देती है। अब आप ही तक अभी तक आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ऑल वेदर ऑल टेरेन सरफेस टू एयर मिसाइल तो देखे नहीं, ये पहले इस तरीके का बनाया जा रहा है। एक तो क्विक रिएक्शन है, जल्दी से रिएक्ट करेगी, और ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है यानी कि सर्फेस से हम लोग इसको जो है लॉन्च कर सकते हैं, सारे वेदर में लॉन्च कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि बारिश के सीज़न है, आप बहुत आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, या फिर बहुत गर्मी है, हीट वेव चल रही है, तो इस समय में कौन सी मिसाइल काम करेगी, ऐसा ना हो कि ज़्यादा गर्मी से पहले ही फट जाए, तो इस तरीके का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये क्या है ना कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है कि आपके हर एक वेदर में काम होगी, हर एक टेरेन में, चाहे आपकी बर्फ वाली रीजन हो, चाहे आपकी माउंटेन रीजन हो, चाहे आपकी प्लेट्यू रीजन हो, किसी भी तरीके की रीजन हो, ये आपका काम किया जाएगा इससे। साथ ही ये ऑपरेट होगी मूव में, ऑपरेट ऑन द मूव एंड कंप्राइजेज ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये फुल्ली ऑटोमेटेड है यानी कि इसके कमांड और कंट्रोल भी ऑटोमेटिक है, तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं K4 मिसाइल। K4 मिसाइल है क्या, ये एक इंटीग्रेटेड रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सब मेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल, और इसमें आपकी 3500 किलोमीटर रेंज है। ये डेवलप किया जाता है आपका DRDO के द्वारा, और ये इंडक्ट की गई है अरिहंत क्लास जो सबमरीन है ना, अभी आगे हम लोग सबमरीन के बारे में देखेंगे, तो इसी में आपको अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें आपका इसको रखा गया है, तो सबमरीन से लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है K4 मिसाइल, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एवनगार्ड। तो एवनगार्ड है क्या, रिसेंटली रशिया डिप्लॉय करी है अपनी फर्स्ट हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो कि है एवनगार्ड। अब ये नाम ही इतना ज़्यादा डेंजर लग रहा है, तो आप लोग भी समझिएगा कि इतनी नाम में ही इतनी खतरनाक चीज़ें लग रही है, तो ज़रूर ये हाइपरसोनिक ही है। इसकी जो साउंड की स्पीड है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, वो मैक नंबर कितनी है, तो मोर देन ये 5 है, इसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। और वैसे भी अभी तक तो हम लोग हाइपरसोनिक पढ़े नहीं है, हाइपरसोनिक आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार में पढ़ रहे हो तो याद रखना है कि एवनगार्ड की ही हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है बहुत ही तेज़ी से फास्ट करती है, और इसकी मैक तो यहाँ पे बता ही रखी है, इससे पहले तो मैं ही आपको बता दी। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि स्मूथ फ्लाइट पाथ है, एकदम आराम से ये जाती है, और ये मिसाइल कैपेबल है इसमें कि ये कन्वेंशनल और जो न्यूक्लियर पेलोड है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पेलोड होती है, कन्वेंशनल होती है, वॉरहेड होती है, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियर होती है, तो ये इसको कैरी कर सकती है। यहाँ पर सुपरसोनिक कम्बशन स्क्रैमजेट भी है, और स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम भी है जो कि इस तरीके के हाई स्पीड है। देखिए इतना ज़्यादा टेक्निकल वर्ड की अगर
अगर आप लोग मीनिंग ये सब जानने लगे ना, तब तो हो गया। अब आपको इसमें PhD करनी तो है नहीं, आप लोगों को बस हल्का फुल्का ध्यान रखना है। ऐसे तो आपसे कोई इंटरव्यू में तो आपसे पूछ नहीं सरा ये सारे मिसाइल और आपके ये सारे के बारे में, है कि नहीं? इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। कहाँ आपको ये सारा चीज़ रखना है, तो ये आपको प्रीलिम्स में रखना है। अब प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें रट्टा मारना भी ज़रूरी होता है, बिना रट्टा मारे तो चलेगा नहीं। तो इतने सारे टेक्निकल चीज़ों के अंदर आप घुसने लगोगे ना, तो पता चला आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि इतने ये सारी जो एक इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज, ठीक है, तो इसको आप रट्टा मार लो। रट्टा मारना ही ये सारी चीज़ें बेटर है। जो आपकी बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ जो भी आपको ज़रूरत होता है, वो तो मैं आपको बता दी, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, साथ ही आपका क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। क्योंकि ये समझोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि अच्छा ये किस तरीके की मिसाइल है, ये किस तरीके की मिसाइल है। अब भाई ये आपका जो है, यहाँ पे सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट है, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें इतना आप लोग मत ध्यान दीजिए, ठीक है? बस याद रखिए कि हाँ ये इसमें क्या क्या बातें कहा गया था। एक स्क्रैमजेट इंजन, अब यहाँ पर बताया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए कि किस तरीके की इंजन होती है। एक वो इंजन है जो कि एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि इंजन जो है ना कलेक्ट कर सकती है ऑक्सीजन, वो भी कन्वेंशनल रैमजेंट इंजन से, वो भी एटमॉस्फेयर से। अब कहने का मतलब है कि स्क्रैमजेंट इंजन है, यानी कि ये जो है आपका अगर एयर में रहती है, तो एयर में क्या है ना कि एयर से ही जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो उससे भी ये इंजन जो है कलेक्ट कर लेती है। तो ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है, और ये साथ में ट्रैवल भी करती है, और ऑक्सीजन के साथ, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको भी मिक्सिस करती है, और उसके साथ एक कंबशन, जो भी हाइपरसोनिक ट्रैवल के लिए कंबशन की ज़रूरत है, वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स कि हवे हवे में जो है एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन भी ले लेती है, और साथ ही साथ इसको हाइड्रोजन फ्यूल के साथ मिक्स करती है, और जो कंबशन का ज़रूरत होता है, जिसके थ्रू ये हाइपरसोनिक आपका यहाँ पे ट्रैवल हो सके, बहुत ही फास्टर स्पीड से ट्रैवल हो सके, तो उसका काम बना देती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपरसोनिक में आप लोग को ध्यान रखना है कि स्क्रैमजेट इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये फास्टर तरीके से और अच्छे से चल सके। तो इतनी मिसाइल्स वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग सबमरीन और शिप्स में, ये अलग ही इंटरेस्टिंग मोड है यहाँ पे, इसमें भी आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सबमरीन और शिप्स के साथ। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है हमारी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन वेला। तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन वेला है, ये फोर्थ है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्कॉर्पिन क्लास जो सबमरीन है, इसमें टोटल 6 सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जो है वो बनाने की बात की गई थी। इसमें से चौथी बन के रेडी हो गई है, जो कि वेला। ओके, तो वेला जो है, और साथ में ये जो आपके स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, ये फ्रेंच कोलेबोरेशन के साथ है, जिसको मुंबई में रिसेंटली लॉन्च किया गया था। एक कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन किया गया था 2005 में, वो भी फ्रेंच कोलेबोरेटर के साथ, और यहाँ पे आपके नेवल ग्रुप के साथ, साथ ही मैगोंग जो डॉक लिमिटेड है हमारी इंडियन नेवी के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन जो बनाई जा रही है, वो यहाँ पे प्रोजेक्ट है 75 प्रोजेक्ट 75 याद रखिएगा, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को बना रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो फर्स्ट सबमरीन थी वो यहाँ पे INS कालवरी है, और इसको कमीशन किया गया था 2017 में। और उसके बाद दो और नई सबमरीन बनी थी, एक थी ये सेकंड नंबर की है INS खांदरी, और INS जो खरंज है ये थर्ड थी। तो फोर्थ अभी बनी है INS वेला, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स कौन सी है, तो ये है वगीर और वाक्शीर। तो ये रिमेनिंग 2 सबमरीन है हमारे कंट्री के स्कॉर्पिन सबमरीन प्रोग्राम में, जो कि अभी एडवांस स्टेज में है मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये भी बन के तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप लोग को इसमें क्या याद रखनी है, सबसे पहले ये जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, इसमें टोटल 6 सबमरीन बनाई जाएगी। ये जो आपका बन रहा है, ये फ्रेंच कोलेबोरेशन के साथ बन रही है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75, और इसमें सबका छहों का नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट है यहाँ पे कालवरी, सेकंड है खंदेरी, थर्ड है यहाँ पे करंज, एंड फोर्थ है वेला, फिफ्थ है यहाँ पे वागीर, एंड सिक्स्थ है यहाँ पे वाक्शीर। तो 3 यहाँ पे के नाम से है, और 3 यहाँ पे आपका वी नाम से है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं वरुणास्त्र के बारे में देखते हैं, जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की बनी हुई हैवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पिडो है। तो ये टॉर्पिडो है, और ये इसका नाम वरुणास्त्र दिया गया है, और रिसेंटली इसको नेवी में इंडक्ट किया गया है। इंडिया की 1 of the 8 कंट्री है जिसमें कि अब ये कैपेबिलिटी हम लोग यहाँ कि हम लोग इस तरीके के टॉर्पिडो को डिज़ाइन कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग 8 कंट्री में से शामिल हो चुके हैं, हम लोग भी उसमें से काउंट करते हैं जिनके पास इस तरीके का कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने ही कंट्री में टॉर्पिडो को डिज़ाइन करें और बनाएं। तो हम लोग भी अपने कंट्री के एंटी सबमरीन जो इलेक्ट्रिक टॉर्पिडो है उसको बनाए हैं, और इसकी नाम है वरुणास्त्र। तो इसको हम लोग फायर कर सकते हैं राजपूत क्लास डिस्ट्रॉय से, दिल्ली क्लास से, और ऑल फ्यूचर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप से।
जो कि कैपेबल है कि हम लोग यहाँ पे हेवी वेट टॉर्पीडो को फायर कर सकेंगे। ये जो वेपन है ना, वेपन को यहाँ पे डेवलप किया गया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा। एक प्रीमियर लेबोरेटरी है DRDO की और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, जिसको मैन्युफैक्चर करती है इस तरीके की वेपन। ओके, तो इंडिया को अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में यहाँ पे आप देखोगे कि जो हेवी वेट टॉर्पीडो है ना, इसको हम लोग फ्रेंडली नेशन में भी इसको सेल करेंगे। तो अभी तो हम लोग अपना बनाना स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट हम लोग बना के तैयार कर चुके हैं वरुणास्त्र। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग इस तरीके की टॉर्पीडो को बनाएंगे अपने कंट्री में, और इसको हम लोग अपने फ्रेंडली जो फ्रेंडली नेशन है, जो दोस्त है हमारे नेबरिंग नेशन, उनको भी हम लोग इसको सेल करेंगे। तो नेबरिंग नेशन ही नहीं है ये, फ्रेंडली नेशन है, जैसे इसराइल वगैरह भी है, तो उनको भी हम लोग सेल कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे INS नीलगिरी। तो INS नीलगिरी की बात करूँ तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। सबसे पहले याद रखना INS नीलगिरी, और ये डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे इंडियन नेवी के डायरेक्टर के ही द्वारा। और ये फर्स्ट मेजर वॉरशिप है इंडिया में, जिसको कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी को यूज़ करके इसको बनाया गया है। इसमें स्मॉल मॉड्यूल को बनाया गया है, साथ ही इसको असेंबल भी एक साथ किया गया है। ये फर्स्ट है 7 न्यू स्टिल्थ फ्रिगेट की, और ये हमारे प्रोजेक्ट जो है 17 अल्फ़ा के अंदर आती है। तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट 75 देखे थे, अब ये है प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा, जिसमें कि आपकी इस तरीके की फाइटर जेट भी बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा फ्रिगेट की बात करें तो ये डिज़ाइन की गई है, साथ ही अपग्रेड की है, जो आज के डेट में हमारे यहाँ शिवालिक क्लास जो फ्रिगेट है उसको अपडेट करके हम लोग बनाए। कुछ इसमें एडवांस फीचर्स भी है, हमारे यहाँ की वेपन भी है और सेंसर भी है, जो कि इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगी, और साथ ही साथ जो है हम लोग इसको अच्छे तरीके से इसको रख भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो INS नीलगिरी है, एक फ्रिगेट है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। अब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वराह, उसको कमीशन किया गया है। ये कोस्ट गार्ड शिप जो ये आपका पेट्रोल वेजल्स है और फोर्थ इन द सीरीज़ है, वो भी 98M वेजल्स में। तो ये आपका जो है फोर्थ है, वो भी टोटल 7 बननी है लेकिन इसमें से ये फोर्थ है। तो इसकी फोर्थ की क्या नाम है, ये वराह। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि वराह क्या है, एक आपकी मिसाइल है या फिर आपकी सबमरीन है या फिर आपकी यहाँ पे कह सकते हो कि अभी हमने क्या देखा, फ्रिगेट है या फिर कुछ भी, ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। तो याद रखना है कि ये शिप है, ओके, जहाज़ है ये। अब आते हैं वराह, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड शिप के बारे में। ये जो डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया हमारे ही यहाँ LNT के द्वारा, यानी कि लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये ट्विन इंजन के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, यानी कि बहुत ही हल्की हेलीकॉप्टर है, और ये ऑपरेट हो सकती है 2 इंजन से। और ये 4 हाई स्पीड बोट को भी, यानी कि जो नाव वगैरह होती है उसको भी अपने साथ जो है वो कैरी कर सकती है। इसमें 2 जो है फुल यहाँ पे रिजिड हल इन्फ्लेटेड बोट है, जिसको कि आप लोग देखते हो कि कुछ ऑपरेशन वगैरह होती है, कुछ इमरजेंसी होती है, तो उसको हम लोग जो है तुरंतली उस मीन्स हम लोग जब ऑपरेशन वगैरह होती है तो उसको हम लोग बना देते हैं तुरंत फुला के एयर फिल करके। तो इस तरीके की बोट है, सर्च एंड रेस्क्यू भी है, तो इस तरीके का इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैपेबल है कि जो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट है वो कैरी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ऑयल स्पिल जो होता है ना, जैसे कि कभी कभी क्या होती है कि आप लोग शिप वगैरह को देखते हो जो आती जाती है, तो उसमें कभी कभी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी लीकेज के कारण जो है ऑयल पूरी तरीके से आपकी ओशन में स्पिल हो जाती है। तो इसके पास कैपेबल है कि यहाँ पर पॉल्यूशन रिस्पॉन्स और इक्विपमेंट भी ये कैरी करती है, जिसमें कि आपका ऑयल स्पिल से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, हमारी ओशन में रहने वाली जितनी भी मैराइन इकोसिस्टम है उनको बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग चेक कर पाएंगे। अब सेकंड है यार्ड 45006 वज्र। तो ये है क्या, ये ऑफ शोर पेट्रल वेजल है, और इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे डे और नाइट में भी। साथ ही साथ एंटी टेररिस्ट है, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस है, वो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, साथ ही साथ कोस्टल सिक्योरिटी में भी। ये 6th है इस सीरीज़ में, यानी कि 7 OPV प्रोजेक्ट है, यानी कि ऑफ शोर पेट्रोल वेजल्स है, इसमें से ये 6 है, और इसको बनाया जा रहा है लार्सन टर्बो के द्वारा, और ये मेक इन इंडिया कंपेंज के द्वारा हमारे कंट्री में बन रही है। मेक इन इंडिया कंपेंज है ये, भारत सरकार के द्वारा ये लाया गया, जिसमें कि हम लोग अपने ही कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग अपने ही कंट्री में बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे INS जमुना। तो ये जमुना है क्या, ये एक सद्या क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है इंडियन नेवी की। अब ध्यान रखना आपको कि इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, कंफ्यूज करने के लिए आपका स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये इंडियन नेवी की है। इसको डिप्लॉय किया गया है श्रीलंका में और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, जिसमें कि जॉइंट हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है वो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका में होगी।
INS शिवाजी के बारे में देखें तो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करे हैं प्रेसिडेंट कलर, वो भी इंडियन नेवी के INS शिवाजी को, यानी कि जो कलर दिया गया है INS शिवाजी को ये यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर जो है ये हाईएस्ट ऑनर है जिसको कि यहाँ पे आपका मिलिट्री यूनिट में दिया जाता है। INS शिवाजी की बात करें तो इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये वन ऑफ द प्रीमियर ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन नेवी के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी तो आपकी सबमरीन और शिप्स वगैरह थी, अब आते हैं एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है अभ्यास, तो सबसे पहले अभ्यास है, DRDO जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट की है एक फ्लाइट टेस्ट जो कि यहाँ पे अभ्यास की है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट याद रखिएगा, और ये है आपका टेस्ट रेंज जो है ये देखा गया है। ये एक रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो भी ऑफर करती है वेपन सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए। अभ्यास की बात करूँ तो ये ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये ऑटोनोमस फ्लाई करेगी और वो भी यहाँ पे ऑटो पायलट के हेल्प से, तो ऑटो पायलट है उनके हेल्प से ये आराम से जो है फ्लाई कर सकती है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्मॉल गैस टरबाइन इंजन है और हमारे यहाँ की जो डेवलप्ड माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम है उसको ये यूज़ करेगी जो कि नेविगेशन के लिए और गाइडेंस के लिए ये बेटर रहेगा। साथ ही अपैचे हेलीकॉप्टर है AH-64E जो कि हम लोग न्यूज़ में भी देखे थे, इट मीन्स कि हम लोग जो मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन को डील करते हैं उसमें भी ये टॉपिक देखे थे। रिसेंटली 8 US जो है US के द्वारा बनाए गए अपैचे हेलीकॉप्टर को हम लोग इंडक्ट करेंगे इंडियन एयरफोर्स में। इंडिया भी ये डील साइन करी है, 22 अपैचे हेलीकॉप्टर हम लोग को US कंपनी से बोइंग से, वो भी सितंबर 2015 से ये हम लोग जो है इस तरीके का साइन कर चुके हैं। तो इसको रिप्लेस किया गया है रशियन बिल्ट MI-25 से और MI-35 हेलीकॉप्टर से। ये मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल हेवी अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड की और इसको हम लोग फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, अब इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, हेवी अटैक हेलीकॉप्टर है तो ऑब्वियस है कि ऑल वेदर हेलीकॉप्टर भी होगी और इसको फ्लाइंग टैंक भी कहा जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग टैंक हम लोग किसको कह रहे हैं, तो ये अपैचे हेलीकॉप्टर को कह रहे हैं। साथ ही यहाँ पे वर्टिकल रेट ऑफ क्लाइंब भी है, यानी कि ये जो है सीधे भी उड़ सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है और 2000 फीट पर सेकेंड के हिसाब से, और मैक्सिमम स्पीड आपकी 279 किलोमीटर पर आवर है जिससे कि ये वर्टिकल फ्लीट भी कर सकती है। इसमें आप देखोगे कि ये एक वैरायटी ऑफ वेपन भी ये डिलीवर कर सकती है वन हेलीकॉप्टर के साथ, और इसके पास कैपेसिटी है कि अपने साथ जो है 8 मिसाइल्स को ये लेकर जाए, यानी कि 8 मिसाइल्स भी ये अपैचे हेलीकॉप्टर में आप कैरी कर सकते हो। इसमें आपका मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं। साथ ही यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर में आप देखोगे तो ये फ्लाई करेगी फर्दर लोअर और फास्टर, जो दूसरे सिमिलर मशीन है ना उससे भी ये लोअर भी कर सकती है और फास्टर भी कर सकती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग ये किससे डील कर रहे हैं। तो पहले ये हम लोग डील कर चुके थे US कंपनी से, लेकिन उसके बाद जो है हम लोग रिप्लेस किए, नहीं हम लोग पहले ये रशिया की जो बनी हुई MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर है उसको हम लोग रिप्लेस किए, और उसके बाद हम लोग ये अपैचे 22 जो हेलीकॉप्टर है उसको हम लोग US कंपनी के साथ डील किए, तो याद रखिएगा इसको। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मिस टामा कर रही है LCA तेजस। तो नेवल वर्जन जो है इंडियन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये पहली बार अरेस्ट, तो आप देखते हैं LCA तेजस के बारे में भी, नेवल वर्जन है हमारे इंडिया की लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है, LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका लैंड की है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम आदित्य, तो पहली हमारी कौन सी LCA तेजस है, तो INS विक्रम आदित्य। LCA की बात करूँ तो एकदम स्मॉलेस्ट है और लाइटेस्ट वेट की है, और ये सुपरसोनिक आपकी फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये डिज़ाइन की जाती है, डेवलप की गई है हमारे एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसीज के द्वारा, और हॉल के साथ ये आपका मीन्स इसके साथ मिलकर ये बनाया गया है, और पार्टनर आप देखोगे तो DRDO है, CSIR है, वेल है, साथ ही इंडियन एयरफोर्स और साथ ही नेवी भी है। उसके बाद सरस एयरक्राफ्ट के बारे में भी देख लेते हैं, ये पहली बार ऐसी है जो कि हमारे यहाँ के लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट सरस है जिसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा 2024 में, तो ये भी याद रखना अभी तक इसको बनाया जा रहा है। ये जो सरस MK-2 प्रोजेक्ट है ये लीड किया जा रहा है हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया गया था ये डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए एज ए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि 1999 में स्टार्ट हुई थी। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जैसे कि ट्रूप्स का मूवमेंट करना, VIP ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई रोल्स, ये भी इमरजेंसी सिचुएशन में। साथ ही इसमें लो एक्विजिशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हाई यहाँ पे एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस एबिलिटी है, लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ है अगर हम लोग दूसरे कंटेम्प्रेरी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में देखें तो। सरस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिले कि नॉलेज जनरेशन भी है यहाँ पे, डिज़ाइन और जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो 70 से 90 सीट एयरक्राफ्ट तक का किया जा रहा है जैसे कि रीजनल पैसेंजर कनेक्टिविटी कर सके। तो फर्स्ट जो सक्सेसफुल मेडन
फर्स्ट आपका जो फ्लाइट टुक ऑफ होगा वो टुक ऑफ हुआ है वो यहाँ पे 2004 में हुई थी, और इंडिया को अनेबल किया है कि हम लोग एलाइट क्लब में ज्वाइन करें, वो भी 5 नेशंस ऐसे हैं जिनके पास इस तरीके का लाइट ये आपका इस तरीके का लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, तो उसमें हम लोग भी इसमें काउंट हो चुके हैं। अब है यहाँ पे LHCH जो कि है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। LCH की बात करें तो ये प्रोडक्शन सेंटर्स जो है ये आपका इनॉग्रेट हुई थी बेंगलुरु में, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। LCH की बात करें तो ये 5.5 टन क्लास मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है हेल के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। ये हमारे 2 शक्ति जो इंजन है इसके द्वारा पावर किया गया है, और बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स भी है यहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में। जो फीचर्स है ये यूनिक है LCH का, साथ ही यहाँ पे LCH का आप देखोगे तो इसको डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं हम लोग जो फर्स्ट अटैक हेलीकॉप्टर है उससे, और ये लैंड में अटैक करने का जो हेलीकॉप्टर है उससे हम लोग इसको डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं। तो मेन मेन चीज़ आप लोग को याद रखना है, ध्रुव के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि मिलिट्री और सिविल ऑपरेटर के लिए। करेंट अगर आप लोग मिलिट्री ऑपरेटर देखोगे हाल ध्रुव का तो इंडिया, बोलीविया, बुर्मा, साथ ही इसराइल, मालदीव्स और नेपाल में, तो मालदीव्स और नेपाल में है, तो इतना आप लोगों को याद रखना कि कहाँ कहाँ इस तरीके की जो है आपकी हेलीकॉप्टर है। उसके बाद है सुखोई जेट, तो सुखोई जेट तो आप लोगों को पता है कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स जो है फर्स्ट बैच ऑफ 6 यानी कि 18 जो रशियन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है इसके 6 जो है वो तमिलनाडु तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन में इसको इंडक्ट किया गया है। ये इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है इंडियन ओशन रीजन में, और साथ ही साथ ये जो फाइटर जेट है इसको इक्विप किया गया है कि बहुत सारे यहाँ पे आपका एयर वेरिएंट भी है जो कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ है। इसकी रेंज आप देखोगे तो 290 किलोमीटर तक है। इंडियन नेवी जो है ना वो ऑलरेडी उनके पास बोइंग बिल्ट P-81 लॉन्ग रेंज है मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इस एरिया में, जो कि यहाँ पे हार्पन एंटी शिप जो मिसाइल है इसके साथ यहाँ पे काम करती है और कैपेबल है कि हम लोग इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी कंडक्ट करें। तो सुखोई जेट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसी जेट हेलीकॉप्टर है जो कि जेट है और ये काफ़ी जगह पर इस्तेमाल भी होता है। उसके बाद है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कंक्लूड करी है कॉस्ट निगोशिएशन को लेकर, वो भी टाटा और एयरबस के साथ, कि कितने में ये 62 एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको परचेज करेगी। इसकी बात करें तो ये पहले की जो इंडियन एयरफोर्स की जो एजिंग एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना उसको यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद है KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये रशिया की लाइट हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे मैक्सिमम आप देखोगे टेक ऑफ वेट कितना है तो 3.5 टन का है और ये पेलोड भी कैरी कर सकती है 1 टन का। इंडो रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, एक जॉइंट वेंचर है हमारे इंडियन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का और रशियन हेलीकॉप्टर का, इसको बनाने में ये रशिया का साथ ले रहे हैं। चिनुक है, चिनुक अगेन बहुत न्यूज़ में था, तो इंडिया यहाँ पे बोइंग जो चिनुक हेलीकॉप्टर है वो हम लोग US से ख़रीद रहे हैं और हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज़ है इसमें, वो भी एयरफोर्स के लिए है। फर्दर हमारी जो फास्ट एक्सपेंडिंग है डिफेंस टाइज की, यानी कि हम लोग जो डिफेंस टाइज यहाँ पे US के साथ जो हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से और हम लोग कर पाएंगे। चिनुक का आप लोग याद रखना है कि मल्टी रोल है, काफ़ी तरीके का रोल होगा इसमें। हेवी लिफ्ट यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, यानी कि हेवी चीज़ भी ये लिफ्ट कर सकती है और ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आर्टिलरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए और फ्यूल के लिए। साथ ही इसको ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कहीं फ्लड आ जाता है, ड्राउट आ जाता है, कहीं साइक्लोन के कारण लोग फंस जाते हैं, तो उस तरीके के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब होती है तो उसमें हम लोग इसको जो है मदद दे सकेंगे। साथ ही यहाँ पर डॉर्नियर 228 है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो इंडक्ट की है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो कि मोस्ट वर्सेटाइल है और एडवांस हाई विंग एयरक्राफ्ट है और ये डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा और ये जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है हमारी यूटिलिटी और कम्यूटर ट्रांसपोर्ट की तो उसको ये पूरा करेगी। फिर है 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे क्लियर करी है कि 24 MH-60R मल्टी रोल जो हेलीकॉप्टर है उसको प्रोक्योर करेंगे, वो भी नेवी के लिए और USA से हम लोग इसको प्रोक्योर करेंगे। ये क्या है कि ये हमारे फॉरेन जो मिलिट्री सेल्स रूट है उसके द्वारा इसको प्रोक्योर किया जाएगा, वो भी यहाँ पे US गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। तो याद रखना है कि कौन सी हमने हेलीकॉप्टर अपने यहाँ बनाया है, कौन सी हेलीकॉप्टर हम लोग दूसरे कंट्रीज के साथ यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, डील किए हैं, तो ये भी सारी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ और भी यहाँ पे अदर वेपन सिस्टम है जो कि हमारे न्यूज़ में रही है और इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले है आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, जो टेंशन हमारी बढ़ती जा रही है इसराइल और गाज़ा के बीच में, तो इसराइल जो है वो यहाँ पे यूज़ करी है आयरन डोम, जिससे कि वो यहाँ पे कि जितनी भी इनकमिंग रॉकेट है ना उसको वो ख़त्म कर सके। तो आयरन डोम याद रखना एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है इसराइल के द्वारा, और ये डिस्ट्रॉय करेगी जो भी शॉर्ट रेंज की रॉकेट अगर यहाँ पर इसराइल की तरफ आती है तो उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। ये सारे वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जाएगा और मल्टीपल थ्रेट जितनी भी है ना उसको रिस्पॉन्ड कर सकती है। आयरन डोम की बात करें तो ये डे और नाइट दोनों में ऑपरेट होगी और डिटेक्ट कर सकती है, जो भी आपका मिसाइल वगैरह आएगा तो उसको 4 से 70 किलोमीटर दूर तक ही इसको डिटेक्ट करेगी और वहीं पे वो मिड एयर में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो याद रखना आयरन डोम किसका है, इसराइल का है, और किसके अगेंस्ट में बनाया गया है, ये आपका इसराइल और गाज़ा के टेंशन के बाद जो है इस तरीके का आपका इक्विपमेंट बनाई है। उसके बाद एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, तो इसका नाम हम लोग नेत्र रखें, ये हमारे यहाँ का बनाया हुआ DRDO के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के को हैंडेड ओवर कर दिया गया है कि वो यहाँ पे जो है जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार है, सेकेंडरी सर्वेलांस रडार है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन काउंटर मेजर्स हैं। तो ये सारी इसकी फैसिलिटीज़ है जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी एनिमी की अगर एयरक्राफ्ट है या फिर अनमैंड यहाँ पे व्हीकल्स अगर आ रही है तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा, तो उसके लिए ये रखा गया। उसके बाद धनुष है, धनुष अगेन आ गया, ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, यानी कि एक तरीके का बंदूक होता है गन है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किया गया। 2020 होगा ये आर्मी के लिए है और हमारे यहाँ का अपग्रेड टू वेरिएंट है जो कि पहले की जो स्वीडिश बोफर्स गन्स है ना जो कि हम लोग 1980 में इम्पोर्ट किए थे, तो उसी का हम लोग अपग्रेड वर्जन अपने यहाँ बनाए। तो धनुष याद रखना ये गन है। उसके बाद आते हैं MK-45, 5 इंच बाई 62 कैलिबर, ये नेवल गन है। तो ये क्या है कि US जो है वो इस तरीके के नेवल गन को इंडिया को बेचेगी, वो भी यहाँ पे वॉरशिप के अगेंस्ट में, एंटी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में और बॉम्बार्डमेंट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, US जो है वो यहाँ पे अप्रूव करी है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को वो बेचेगी इंडिया को, जिससे कि जो आर्म फोर्सेज है उसको मॉडर्नाइज़ कर पाएगी और जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ा पाएंगे, जिसके थ्रू जो भी थ्रेट है यानी कि एयर अटैक जो होता है इंडिया में उसको हम लोग यहाँ पर बचा पाएंगे। साथ ही है K9 वज्र टी गन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्सर मैन्युफैक्चर्ड बाय ये लार्सन एंड टर्बो के द्वारा है, ये भी आर्टिलरी गन है। K9 वज्र क्या है तो ये याद रखना, ये तो आपने टी गन नाम ही रखा है, आर्टिलरी गन है। ये जो गन है इसकी वेट 50 टन है और ये फायर कर सकती है 47 kg बॉम्ब और ये 43 किलोमीटर डिस्टेंट तक। और उसके बाद सारांग है, तो सारांग क्या है, M-46 आर्टिलरी गन है जो कि अपग्रेड किया गया है गन कैरियज फैक्ट्री के द्वारा। साथ ही इसमें अपग्रेड आप देखोगे तो गन की जो रेंज है वो अब यहाँ पे 27 किलोमीटर से अब यहाँ पे 36 किलोमीटर तक जाती है और हमारे यहाँ की डिज़ाइन की गई सारंग जो है इसको इंडियन आर्मी में हम लोग इंडक्ट करेंगे, वो भी इस फिस्कल एंड में, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी गन है, कौन कौन सी हेलीकॉप्टर है, ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इतने सारे हैं, अगर किसी का भी नाम आपसे रैंडमली पूछ लिया जाए तो मे बी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि कौन सी गन है, कौन सी हेलीकॉप्टर है, कौन सी क्या मिसाइल वगैरह है। ओके, तो एक बार आप लोग इसको नज़र में उतार लो जिससे कि आप लोग को ध्यान में रहे। अब आगे बढ़ते हैं और स्पेस वेपनाइजेशन के बारे में भी देखते हैं। तो रिसेंटली US प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट किए कि US की स्पेस फोर्स इस्टेब्लिश करेगी एज अ 6 ब्रांच ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो भी यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैराइन, कोस्ट गार्ड के बाद यहाँ पर डिबेट रेज हुआ है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, यानी कि इसमें क्या है ना कि कोई भी वेपन को हमारे आउटर स्पेस में रख देना और हेवनली बॉडीज़ में, और साथ ही साथ यहाँ पे वेपन भी क्रिएट करना जिससे कि हमारे आउटर स्पेस जो है वो ट्रांजिस्ट करे या फिर सिंपली ट्रैवल करे हमारे अर्थ से, जिससे कि अटैक हो सके और जो स्पेस में जो टारगेट है वो डिस्ट्रॉय हो सके। यानी कि अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा आपका वेपन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और बहुत तरीके से आपका जो है टेररिस्ट होता है, या फिर बहुत तरीके से आप लोग देख सकते हो कि टेररिस्ट वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेपन की चीज़ें, लेकिन ये बात की जा रही है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस में किसी भी तरीके से वेपन का इस्तेमाल करना, यानी कि यहाँ पे आउटर स्पेस को ट्रांजिस्ट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना सिंपली ये आपका कैसे ट्रैवल होगा, तो ये अर्थ से जो है ना ट्रैवल होगा जिसके थ्रू अटैक हो पाएगा और जो भी टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक ऑर्बिटल, प्लेसिंग ऑफ ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल सैटेलाइट, कोई भी हम लोग सैटेलाइट को
ऑर्बिट में जो है प्लेस कर देते हैं, और इंटेंशन यही रहेगा कि जो एनिमी की सैटेलाइट है, दूसरी कंट्री की जो सैटेलाइट है ना, उसको वो अटैक करेगी। और ये ग्राउंड बेस्ड डायरेक्ट एसेट होगा, यानी कि हम लोग ग्राउंड में, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठ के हम लोग इस तरीके के सैटेलाइट को हम लोग जो है उसको मॉनिटर करेंगे, और ये जितने भी आपकी दूसरी कंट्रीज़ की जो एनिमी कंट्रीज़ की जो सैटेलाइट है ना, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगी। तो इस तरीके का अब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है। तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जो है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है अगर हम लोग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में देखें। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस क्या है, तो इसमें आपका स्पेस बेस्ड एसेट इंक्लूड है जो कि C4ISR है। इट मीन्स कि यहाँ पे कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकनाइसेंस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है स्पेस मिलिटराइजेशन में। लेकिन ये स्पेस वेपनाइजेशन की बात करें तो ये समथिंग डिफरेंट है। मिलिट्री ऑफ स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आर्मीज है जो कि कन्वेंशनल बैटल फील्ड की है। वहीं अगर हम लोग देखें वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, तो आउटर स्पेस जो है अपने आप में ये एक बैटल ग्राउंड निकल कर आएगी, जिसमें कि आप लोग इसको फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। तो इसको कहा भी जा रहा है कि ये फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर है, कि अब हम लोग कहाँ लड़ेंगे, तो अब हम लोग जो है ना धरती पर नहीं लड़ेंगे, अब हम लोग स्पेस लड़ने वाले। तो इस तरीके का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक नया ही चीज़ निकल कर आ रही है। बात आती है आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। तो एक तरीके की ट्रीटी है जो कि आपका यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत रखा गया है, जिसमें कि कुछ एक्टिविटीज़ है हर एक स्टेट के लिए कि वो कैसे यहाँ पे आउटर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे कि मून की जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रीटी भी है जिसमें कि ये अच्छे तरीके से लिखा गया है सारे स्टेट के लिए, सारे कंट्रीज़ के लिए, कि आप लोग कैसे जो है स्पेस को इस्तेमाल करोगे या फिर कैसे उसको एक्सप्लोर करना है। तो मून हो गई, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, तो इसमें आप लोग का जो है अच्छे तरीके से जो प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग सारे स्टेट को, सारे कंट्री को काम करना होता है। ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1963 में, और ये आपका काम में कब से आई है, तो 1967 से। इंडिया सिग्नेटरी है इस ट्रीटी की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और हम लोग 1982 में इसको रेटिफाई भी कर दिए थे। जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो सिर्फ वेपन को रोकती है। तो किस तरीके के वेपन को रोकती है, जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर रही है, यानी कि बहुत हेवी डिस्ट्रक्शन कर रही है आउटर स्पेस में, तो किसी इस तरीके के वेपन को रोकती है, कोई ऑर्डिनरी वेपन को नहीं रोकती है। यानी कि इस तरीके के जो आपका आउटर स्पेस ट्रीटी में क्या रखा गया कि कोई भी ऑर्डिनरी तरीके की अगर वेपन है तो उसको नहीं रोका जाता, लेकिन जो बड़े तरीके का मास डिस्ट्रक्शन करने वाली है, बड़े पैमाने पर जो आपका डिस्ट्रक्शन होने वाला, बर्बादी होने वाला, उस तरीके के वेपन को यहाँ पर रोका जाता है। साथ ही यहाँ पे मैंडेट है कि आउटर स्पेस का जो इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा बेनिफिट के लिए, किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट के लिए, और सारी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे सारे मैनकाइंड के हिसाब से ही इसको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ये प्रोविंस होगा सारे मैनकाइंड का। यानी कि यहाँ पे तो एक तो आप जो काम कर रहे हो आउटर स्पेस में, जो भी आप सेटेलाइट भेज रहे हो या फिर आप लोग कोई भी तरीके का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या काम है कि आप अपने कंट्री के लिए आप अपना बेनिफिट देखिए, या फिर ऑल सारे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट पर ही ये सारा काम करना है। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना है जैसे कि दूसरे कंट्री को नुकसान हो, दूसरे के कंट्री के सैटेलाइट को डिस्टर्ब हो, या फिर हमारे यूनिवर्स में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, तो ये सारा काम इसके अंदर नहीं करना है। उसके बाद है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ द आर्म रेस इन आउटर स्पेस। तो पैरोस भी है, ये यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन है जो कि रिफर्म करती है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, और एडवोकेट करती है कि यहाँ पे जो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस है उसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। ये करेंटली आपका डिस्कस किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में। डिसआर्मामेंट क्या होता है, डिसआर्मामेंट है जैसे कि हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मामेंट किया जा रहा है सारे कंट्रीज़ में। यानी कि अगर किसी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोई भी चीज़ है, या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहे या फिर बना के रखे हुए, तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके जो है डिस्ट्रॉय कर देना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब ये क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है, जिसमें कि स्पेस में जो भी आपका वेपनाइजेशन किया जा रहा है तो उसको भी धीरे धीरे डिसआर्मामेंट किया जाएगा। यानी कि कोई भी कंट्री अगर इस तरीके का सैटेलाइट बना चुकी है या फिर बनाने के राह में कि वो दूसरे कंट्री यानी कि एनिमी कंट्री के सैटेलाइट को डिस्टर्ब करेगी या फिर कोई भी मास डिस्ट्रक्शन करेगी, तो वो काम अब नहीं करना है। साथ ही अब तक क्या है कि कुछ पार्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करी है बहुत सारी इश्यूज़, बहुत सारी पॉसिबल सॉल्यूशन भी कि किस तरीके से वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को रोका जाए। तो कुछ पार्टीज़ है जैसे रशियन फेडरेशन है, वेनेजुएला है, जो कि अभी पहली बार डिप्लॉय नहीं करी है किसी भी टाइप की वेपन को आउटर स्पेस में। तो ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि इस तरीके से काम नहीं करी है, और साथ ही साथ ये हमारे नेशंस को भी प्रिवेंट करेगा कि हम लोग मिलिट्री एडवांटेज को आउटर स्पेस में लेने से, यहाँ पे गेन करने से जो है इसको जो है रोका भी जाएगा। यानी कि कोई भी नेशन जो है मिलिट्री एडवांटेज ना ले आउटर स्पेस में। अब इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो कि हमारे कंट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी कंट्री की है, एक तो हम लोग दूसरे देखेंगे। सबसे पहले मिशन शक्ति की बात कर लेते हैं। 2019 में DRDO ने टेस्ट करी थी, और ये भी फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसका नाम
सॉरी एसैट भी रखा गया। ये हमारी मिशन शक्ति का पार्ट है, एक लाइव सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया था फ्यू मंथ्स पहले जब इसको टेस्ट करना था। तो इंडिया एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस में ज्वाइन करी है पहले इस तरीके का। यानी हम लोग क्या किए थे ना कि हम लोग अपने ही सैटेलाइट को, यानी कि अपने ही सैटेलाइट को हम लोग एक तरीके के सैटेलाइट को लॉन्च किए थे और अपने ही सैटेलाइट को यहाँ पे क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय किए थे। तो उससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था आउटर स्पेस में। और ये इस तरीके का हम लोग एक काम किए थे, तो हम लोग जो है ना चार कंट्री के बाद हमारी भी नंबर आ चुकी है। यानी कि इस तरीके से सिमिलर टेक्नोलॉजी और भी कंट्रीज़ में, और वो लोग भी ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किए जो कि है USA, रशिया और चाइना। DRDO की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल ये आपकी जो है ना इसको इस्तेमाल किया गया था। और इंडिया जो है काइनेटिक किल को इस्तेमाल करी थी। एक स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडिया जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करती है। काइनेटिक किल है क्या? एक डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ है किसी भी मिसाइल की। जो मिसाइल यहाँ पे जाके फटती है ना, तो उसकी जो ये कैपेबिलिटीज़ है ये आपका प्रोवाइड किया जाता है, उनको एक तरीके का टारगेट डिलीवर किया जाता है किसी भी कंसिडरेबल लोड ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है इस तरीके का डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ किसी भी मिसाइल की बनाई जाती है, तो उसको काइनेटिक किल कहते हैं। मिशन शक्ति जो है वो यहाँ पे लो ऑर्बिट में किया गया था। तो लो ऑर्बिट में करने से क्या हुआ कि जो भी सैटेलाइट को हम लोग डिस्ट्रक्ट किए थे ना, तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो लो ऑर्बिट यानी कि 300 किलोमीटर से भी कम में किए थे और पर्टिकुलर एंगल में ही किए थे जिससे कि मिनिमम डेब्रिस हो। डेब्रिस कहने का मतलब है कि स्पेस डेब्रिस भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी है कि डेब्रिस हो गई, यानी कि कचड़ा हो गई। जैसे आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करके कितना ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन हो चुका है। चाहे लैंड में देखिए आप, एनिमल्स के अंदर देखिए, या फिर आप लोग मैराइन में देखिए, फिर ओशन में देखिए, हर जगह देखिएगा तो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। उसी तरीके से स्पेस में भी कचरा हो चुकी है। तो हम लोग इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को किए थे कि इससे हमारी जो है ना स्पेस में किसी भी तरीके का डिब्रिस ना हो, और इसको हम लोग लो ऑर्बिट में इसको इस्तेमाल किए थे। तो ये याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और देख लेते हैं, इंड स्पेस एक्स। तो इंडियन आर्म फोर्स है जो कि यहाँ पे कंडक्ट की है कंट्री की फर्स्ट एवर सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर, जिसका नाम है यहाँ पे इंड स्पेस एक्स। तो ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम किया गया था। और 2 दिन की ये एक तरीके के इंडियन स्पेस एक्सरसाइज को यहाँ पे आपका कंडक्ट किया गया था। इसमें सारे मिलिट्री और साइंटिफिक स्टेक होल्डर्स थे। और चाइना की यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्पेस बढ़ते जा रही है, यानी कि चाइना आप देख रहे हो कि आज के डेट में कितना ज़्यादा अपना वन बेल्ट वन रोड के हिसाब से, उनकी जो स्कीम है उसके हिसाब से पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में वो दबदबा फैला रहे। इवन इंडियन ओशन में भी वो घुसने का कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो चाइना अपनी जो दबदबा है वो उसको बढ़ाने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हम लोग इस तरीके का एक्सरसाइज किए हैं। ये फर्स्ट इस तरीके का एक्सरसाइज है जो कि प्लान किया गया था इंडिया की सक्सेसफुली टेस्ट जब हम लोग एसैट किए थे, यानी कि ये जो हम लोग मिशन शक्ति है जब हम लोग कंडक्ट किए थे। तो उसके बाद हमारे तरफ से ये इंड स्पेस एक्स यानी कि इंडियन स्पेस जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग कंडक्ट किए थे। तो ये आर्म्ड इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा ये कंडक्ट किया गया था, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पहली ऐसी है, और हम लोग इंडिया चाइना की जो दबदबा बढ़ते जा रही है, चाहे हम लोग लैंड की बात करें, चाहे हम लोग ओशन की बात करें, चाहे हम लोग स्पेस की बात करें, तो उसको हम लोग काउंटर करने के लिए इस तरीके का जो है एक्सरसाइज किए थे। ओके, फिर ये ड्रोन रेगुलेशन। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। ड्रोन रेगुलेशंस को कल हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ आपको जानने के लिए भी है। अगर आप लोग भी पर्सनली ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहते हो या कभी किए हो तो आप लोगों को कैसा लगता है, ठीक है, तो कीजिएगा। अगर आप लोग को मौका मिले तो ड्रोन आप लोग खरीद भी सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीद सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो लाइव रिकॉर्ड भी होती है, सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। किसी भी लोगों का ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने ही वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है, पिक्चर लेती है। तो ड्रोन वगैरह का यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से जो है कितने कैटेगरी में डिवाइड किया क्या है, माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन क्या है, नहीं है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको मेरे लेसन की न्यू जो अपलोड जब मैं करती हूँ तो वो आपको अपडेशन मिल पाएगी, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगी। साथ ही मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से, वहाँ पर मैं सारी PDF अपलोड करती हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहीं मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।